हेलो गाइस, वेलकम टू माय टू चैनल टेक्निकल। आज भी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के T1 5G फोन के वीवो वाईफाई सेटिंग के बारे में। हाँ, तो वीवो वाईफाई सेटिंग क्या है एंड इसी के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। एंड यहां पे बात करेंगे वाईफाई कॉलिंग के बारे में, दोनों में के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। एंड इन दोनों में क्या डिफरेंट है एंड सेम है कि ये डिफरेंट है, मैं आप लोग को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एंड आप लोग को इस वीडियो में समझाने वाला हूं वीवो वाईफाई सेटिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करेंगे वाईफाई कॉलिंग के बारे में एंड वीवो वाईफाई सेटिंग के बारे में, जो कि यहां पे आप लोग को वाईफाई कॉल भी करके आप लोग को डिफरेंट यहां पे दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग को दिखाने वाला हूं पहले वीवो वाईफाई, जो कि यहां पे आपको कंट्रोल सेंटर पे मिल जाता है। यहां आप लोग देख सकते हो इस तरीके का हमें मिल जाता है। एंड जैसे मैं इसे ऑफ करता हूं, यहां से ऑफ हो जाता है। एंड आपके फोन में अगर यहां पे नहीं शो करता है तो आपको पिंसिन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पिंसिन वाले पे आप क्लिक करते हो एंड आपके फोन में इस तरीके से पड़ा होगा, यहां पे पड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, इसे पे टैप करना है एंड उठाकर लाकर यहां पर रख देना है। अब जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पर लाकर रख दिया, तो इस तरीके से आपका वीवो वाईफाई होता है दोस्तों। यहां पे आपको बैगन है एंड यहां से आपको ऑन कर लेना है। यहां से भी आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो अपने फोन के सेटिंग से भी इसे ऑन कर सकते हो। अब बात करेंगे यहां पे वाईफाई कॉलिंग एंड वीवो वाईफाई के बारे में। तो दोनों यहां पे सेम ही है, कोई भी अलग नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि यहां पे आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर आते हो एंड सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको मिल जाता है यहां पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन। जैसे नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन। जैसे यहां पे आप सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको मिल जाता है यहां पे मोबाइल डाटा एंड यहां पे इंटरनेट एक्सेस कॉल्स, तो ये मिल जाता है आपको। उसके बाद मिल जाता है कॉल वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है ये जो कि सिम यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे क्लिक करना है एंड एक नंबर या दो नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पे आपको मिल जाते हैं नीचे आप देख सकते हो वाईफाई कॉलिंग। तो वाईफाई कॉलिंग पे यहां पे आपको देखना मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है क्रिएट वीडियो कॉलिंग। तो वाईफाई कॉलिंग पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, जैसे आप इसे ऑफ कर देते हो, जैसे मैं यहां पे ऑफ करता हूं एंड आप लोग देख सकते हो यहां पे ये ऑफ हो चुका है। तो दोनों एक ही है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा थोड़ा डाउट था कि यहां पे मेरे फोन में पहले से वाईफाई कॉलिंग आता था लेकिन यहां पे वीवो वाईफाई क्या आ गया, तो आपका डाउट यहां पे क्लियर मैं कर दिया हूं। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग को देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं आप लोग देख सकते हो ऑन हो चुका है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फाइनली यहीं से आप यहां से भी ऑन कर ऑफ कर सकते हो। तो यहां से ऑफ हो गया, आप अगर यहां से ऑफ ऑन करते हो तो आपका यहां से भी ऑन हो गया। अगर एक नंबर का देख सकते हो तो ये एक नंबर का मिल जाता है एंड दो नंबर का तो दो नंबर का मिल जाता है। तो फाइनली इस तरीके से आप देख सकते हो। अब दोस्तों, मैं यहां पे वाईफाई कॉलिंग करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे मैं क्लिक करता हूं, उसके बाद मैं डायलर पे आता हूं। अब दोस्तों, पहला नॉर्मल है, मेरा वाईफाई ऑन नहीं है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं यहां पर कॉल करता हूं, मैंने कॉल किया तो यहां पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल सा कॉल है एंड कोई भी वाईफाई यहां पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, एचडी कॉल है। तो फाइनली यहां पे कोई भी वाईफाई नहीं दिख रहा एंड यहां पे आपको सिर्फ एचडी कॉल दिख रहा है। तो यहां पे हम कट करते हैं एंड इसके बाद हम करेंगे वाईफाई कॉलिंग। तो हम करते हैं वाईफाई को ऑन, उसके बाद हमारा वाईफाई यहां पर ऑन हो चुका, आप लोग को दिख गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारा वाईफाई ऑन हो जाता उसके बाद हम यहां पर करेंगे फिर से डायल करते हैं और हम करेंगे फिर से यहां पे कॉल। तो आप देख सकते हो हमारे फोन में वाईफाई कॉलिंग यहां पे दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पे नीचे वाईफाई दिख रहा होगा, एचडी कॉल एंड वाईफाई। तो फाइनली इन दोनों में क्या डिफरेंट है एंड वाईफाई कॉलिंग एंड नॉर्मल सा कॉल जो होता है उसमें दोनों में क्या डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा इसी के वीडियो के एंड में। तो फाइनली मैंने वाईफाई भी कॉलिंग कर लिया एंड नॉर्मल भी कॉलिंग करके आप लोग को दिखा दिया। फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीवो वाईफाई का मतलब क्या है एंड वाईफाई कॉलिंग। अब दोस्तों, यहां पे देख सकते हो इस तरीके का हमें एचडी कॉल एंड इस वाले कॉल पे आपको वाईफाई छपा हुआ दिख रहा है। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, यहां पे हम करते हैं बैग आने के बाद दोस्तों, यहां पे जो भी सेटिंग आपने वाईफाई कॉलिंग को ऑन नहीं किया है तो आपको सेटिंग के अंदर आना है और सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन दिखी गया होगा, वहां पे आपको क्लिक करना एंड सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पे आना है। उसके बाद आपको यहां पर मिल जाता है
देख सकते हो वाईफाई कॉलिंग यहां से आपको ऑन कर लेना है। सभी सेटिंग को ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा वाईफाई कॉलिंग। उसके बाद आप करोगे कॉल वगैरह तो वाईफाई कॉलिंग होगा आपका। तो फाइनली मैं यहां पे आपको बताता हूं कि वाईफाई कॉलिंग करने के बाद आपके फोन में जो रिचार्ज होता है एंड जो वैलिडिटी होता है, आपका वाईफाई कॉलिंग करने से कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगता, आपके वैलिडिटी के साथ ही होता है। तो फाइनली इसे आपको अलग से कोई रिचार्ज वगैरह नहीं लगता है। तो फाइनली वाईफाई कॉलिंग आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका जो वाईफाई कॉलिंग है एंड वीवो वाईफाई है, दोनों सेम है, कोई भी अलग नहीं है। तो फाइनली आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।